हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पोसोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। डोज ऑफ ए चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स एज पर यंग्स फॉर्मूला इज 1/3 ऑफ एडल्ट डोज, 3/4 ऑफ एडल्ट डोज, 1/2 ऑफ एडल्ट डोज, 1/4 ऑफ एडल्ट डोज। कितना डोज हो जाएगा चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स एज पर यंग्स फॉर्मूला? तो यंग्स फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। चाइल्ड का एज कितना है? तो 4 ईयर्स, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 16 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। 4 1 4 4 4 16 1/4 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1/4 ऑफ एडल्ट डोज हो जाएगा डोज ऑफ चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स एज पर यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ ए चाइल्ड व्हेन वेट इज गिवन इन पाउंड्स। यंग्स फॉर्मूला, काउलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ ए चाइल्ड व्हेन वेट इज गिवन इन पाउंड्स? जब चाइल्ड का वेट दिया गया है पाउंड्स में, तो हम अप्लाई करेंगे क्लार्क्स फॉर्मूला। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है क्लार्क्स फॉर्मूला? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एंड अगर चाइल्ड का वेट दिया है किलोग्राम्स में, देन क्लार्क्स फॉर्मूला क्या होता है? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन केजी किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। When child weight is given in kg, we applied this formula. Next question. What will be the dose of a 8 years old child when the adult dose is 400 mg? अगर adult dose है 400 mg, then what will be the dose of 8 years old child? तो age up to 12 years of old के लिए apply करेंगे Young's formula. क्या होता है? तो child dose is equal to age in years divided by age plus 12 multiplied by adult dose. चाइल्ड का एज कितना दिया गया है? 8 इयर्स। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है? 400 mg। तो मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 20 मल्टीप्लाइड बाय 400। 20 ones are 20, 20 20s are 400, 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 160। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 160 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, इडियोसिंक्रेसी, साइड इफेक्ट। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग? तो इसे बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टॉलरेंस क्या है? तो मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप होता है टॉलरेंस। टैकीफाइलेक्सिस, तो डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स होता है टैकीफाइलेक्सिस। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेड इज टैकीफाइलेक्सिस। साइड इफेक्ट क्या है? तो साइड इफेक्ट होता है एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट ऑकर्स एट थेरेप्यूटिक डोसेज एंड साइड इफेक्ट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, ये इडियोसिंक्रेसी होती है अनप्रेडिक्टेबल। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है। ठीक है, कौन से टाइप में आती है इडियोसिंक्रेसी? तो ये आती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज इज नोन एज डिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला, काउलिंग्स फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये होता है डीलिंग्स फॉर्मूला। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डीलिंग्स फॉर्मूला होता है फॉर द एज बिटवीन 12 टू 20 ईयर्स। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या है? तो एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। काउलिंग्स फॉर्मूला, एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
If total pharmacological action of two drugs is same to sum of their individual pharmacological action, it is additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy. If total pharmacological action of two drugs is same to sum of their individual pharmacological action, तो क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं additive effect. Option A हो जाएगा आपका correct answer. Synergism क्या है? तो positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously is synergism. Positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously. Antagonism. तो when one drug abolishes the action of other drug, it is called antagonism. Idiosyncrasy. तो अभी हमने previous question में देखा था characteristic unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug. ये होता है idiosyncrasy. Unexpected drug responses which cannot be predicted. ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, इडियोसिंक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मींस? क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन. क्या होता है पोटेंशिएशन? तो ये होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पोटेंशिएशन मींस इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्टेट ऑफ पीरियोडिक और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन विच इज डेंट्रीमेंटल टू पर्सन एंड सोसाइटी. एंटागोनिज्म, एडिक्शन, एलर्जी, टॉलरेंस. State of periodic or chronic intoxication which is detrimental to person and society. तो इसे बोलते हैं addiction. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Antagonism. If action of drug is opposed by the other drug on same physiological system. Tolerance. More gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop. ठीक है, next question. The biological half-life of a drug in patient was 30 minutes and its volume of distribution was estimated to be 60 minutes. Calculate the clearance rate of drug. कितना clearance rate होगा अगर half-life 30 minutes है and volume of distribution है 60 minutes? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे half-life का definition. Most repeatedly asked question है half-life. तो half-life is time required to change the amount of a drug in plasma by half during elimination. And biological half-life of a drug is given by 0.693 by K. K होता है elimination constant rate. Question में हमें पूछा गया है clearance rate. क्या formula होगा clearance rate का? तो clearance is equal to 0.693 divided by half-life multiplied by volume of distribution. तो 0.693 divided by half-life कितना दिया गया है? 30 minutes. तो divided by 30 multiplied by volume of distribution कितना है? 60 minutes. तो multiplied by 60, 31s are 30, 32s are 60. 0.693 multiplied by 2 कितना होगा? तो 23s are 6, 29s are 18, 26s are 12, 12 plus 1, 13. 1.386 होगा आपका correct answer. कौन से option में दिया गया है? 1.386. तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 1.386 क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 किलोग्राम्स ऑफ लैनोलिन इफ द डेंसिटी इज 0.9329. तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मास कितना दिया गया है? 10 kg ऑफ लैनोलिन. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 0.9329. तो ये हो जाएगा 10000 डिवाइडेड बाय 0.9329. 1234 1234. तो 9.320 ml हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन आवर डुपोइस सिस्टम, ग्रेन, गैलन, पाउंड, आउंस. क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन आवर डुपोइस सिस्टम? तो एक तो आता है इंपेरियल सिस्टम एंड दूसरा होता है मेट्रिक सिस्टम.
इंपेरियल सिस्टम में आता है अवर्डुपोई सिस्टम एंड अपोथिकरी सिस्टम। अवर्डुपोई सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है पाउंड एंड अपोथिकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है ग्रेन। हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन अवर्डुपोई सिस्टम, तो ये होता है पाउंड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्रेन होता है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन अपोथेकरी सिस्टम। देन मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम, इनमें से कौन सी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम, तो ये होती है अपोथेकरी सिस्टम। देन इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, तो ये होता है गैलन। एंड मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर, ठीक है। अवर्डुपोई सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है पाउंड, अपोथिकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन, मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है किलोग्राम्स, इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन, मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर्स। ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 एटीएम, 32 एटीएम, 10 एटीएम, 6.7 एटीएम। कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो ये होता है 6.7 एटीएम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीज रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन, टैकीफाइलेक्सिस, ट्रू टॉलरेंस, सुडो टॉलरेंस। क्या बोलते हैं व्हेन डिक्रीज रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज, तो इसे बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विद अनदर एजेंट, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विद अनदर एजेंट, तो इसे बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है, तो व्हेन टू डिफरेंट ड्रग्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर टू प्रिपेयर 1 fluid ounce ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। कितना डेक्सट्रोज लगेगा टू प्रिपेयर 1 fluid ounce ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4.375 ग्रेन्स की इन 1 fluid ounce। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना डेक्सट्रोज लगेगा, तो 4.375 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होगा 0, 2 5s आर 10, 2 7s आर 14, 14 प्लस 1 15, 2 3s आर 6, 6 प्लस 1 7, 2 4s आर 8, 1 2 3, 87.5 होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। 87.5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर टू मेक 20% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। 1% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4.375 ग्रेन्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। कितना कॉन्सेंट्रेशन NaCl रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो ये होता है 58.5 एंड NaCl डिसोसिएट्स इनटू टू आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट अप कीजिए, वेट इज इक्वल टू 0.03 m डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू होगी 2 बिकॉज NaCl डिसोसिएट्स इनटू टू आयंस, मॉलिकुलर वेट कितना है 58.5, तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.88 एज योर आंसर, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 drop इज इक्वल टू 0.6 ml, 0.06 ml, 0.5 ml, 0.1 ml। कितना होता है 1 drop, तो ये होता है 0.06 ml, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज
ट्रू टॉलरेंस, सुडो टॉलरेंस, बोथ और नन। टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 18 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है कन्वर्शन का फॉर्मूला? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। कितने सेल्सियस है? तो 18 प्लस 273 कितना होगा? 291 केल्विन एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के कन्वर्शन का क्या फॉर्मूला है? तो ये होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं, सी कितना है? 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 18 नाइन जार 162 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 5 थ्री जार 15, 5 टू जार 10.5, 4 जार 20। 32.4 प्लस 32 कितना होगा? 64.4। ऑप्शन बी में दिया गया है क्या 64.4? तो दिया है 291 केल्विन एंड 64.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कन्वर्शन का फॉर्मूला भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रॉय सिस्टम? एपोथेकरी सिस्टम, इंपेरियल सिस्टम, अवर्डुपोइस सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इंपेरियल सिस्टम में आता है एक तो अवर्डुपोइस सिस्टम एंड दूसरा आता है एपोथेकरी सिस्टम, एंड एपोथेकरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एपोथेकरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट कितना होता है एपोथेकरी सिस्टम में? तो ये होता है ग्रेन। अवर्डुपोइस सिस्टम में तो इसमें होता है पाउंड। देन इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? तो ये होता है गैलन। मैट्रिक सिस्टम में वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कम्पीट विथ ईच अदर फॉर सेम रिसेप्टर? केमिकल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कम्पीट विथ ईच अदर फॉर सेम रिसेप्टर, तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कम्पीट विथ ईच अदर फॉर सेम रिसेप्टर होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है? तो ये होता है रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विथ अनदर एजेंट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, तो वेन टू डिफरेंट ड्रग्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम सेल, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 245 ग्राम्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। कितने ग्राम्स दिए गए हैं क्वेश्चन में? तो 245 ग्राम्स। 245 डिवाइडेड बाय H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? तो 98। तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2.5 मोल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अपोथेकरी सिस्टम 1 आउंस इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन्स? 480, 437.5, 20, 5760। अकॉर्डिंग टू अपोथेकरी सिस्टम 1 आउंस इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन्स? तो 1 आउंस होते हैं 480 ग्रेन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 आउंस इज इक्वल टू 480 ग्रेन्स। 20 ग्रेन्स होते हैं 1 स्क्रपल, देन 60 ग्रेन्स होते हैं 1 ड्रैकम एंड 5760 ग्रेन्स होते हैं 1 पाउंड अकॉर्डिंग टू एपोथेकरी सिस्टम। एंड एपोथेकरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। 20 ग्रेन, 1 स्क्रपल,
60 grain 1 dracum, 480 grain 1 ounce, 5760 grains 1 pound. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन इंपेरियल सिस्टम, पाउंड, किलोग्राम्स, ग्रेन, गैलन. तो ये भी हमने बहुत बार अभी डिस्कस किया हुआ है. इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पाउंड क्या है? तो अवर डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है पाउंड, किलोग्राम्स. मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है किलोग्राम्स, ग्रेन. अपोथेकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मिलीक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम. तो क्या फॉर्मूला होता है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. कैल्शियम का मॉलिकुलर वेट 40.08, वैलेंसी 2, 2 ones are 2, 2 20s are 40, 20.04, ये होगा इक्विवेलेंट वेट. हमें पूछा गया है मिली इक्विवेलेंट वेट. तो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000. इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20.04 डिवाइडेड बाय 1000. 1 2 3 1 2 3, 0.02004 होगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. हमें कैलकुलेट करना है मिली इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000. तो ये होगा आपका मिली इक्विवेलेंट वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अपोथेकरी सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन? 437.5, 5760, 60 और 480. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. 20 ग्रेन्स होता है 1 scruple, 60 ग्रेन्स 1 dracum, 480 ग्रेन्स 1 ounce, 5760 ग्रेन्स 1 pound. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू अपोथेकरी सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 5760 ग्रेन्स. एंड अभी आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू अवर डुपोइस सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू. तो अकॉर्डिंग टू अपोथेकरी सिस्टम 1 pound होता है 5760 ग्रेन्स, एंड अकॉर्डिंग टू अवर डुपोइस सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 7000 ग्रेन. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.